स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप अलॉन्ग विद द ट्राइनोकुलर पोर्ट, मतलब इसमें भी आपका सेम है, सेम टाइम में आप विजुअली इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और उस इमेज को कंप्यूटर पर रिफ्लेक्ट करके मेजरमेंट कर सकते हैं। माइक्रोवीकर की बात करूँ तो इसमें हम सैंपल रख के किसी भी तरह का पैटर्न सेट कर सकते हैं, पैटर्न कैन बी जिगजैग फॉर्म। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भमर, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू एमटेक्स एक्सपो, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जहां पर आपको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और ये खुद मैन्युफैक्चरर है, कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। और यहाँ पर आप कोई भी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, वहाँ पर आपको टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, और आप अपने ब्रांड बनाने के लिए आपको टेस्टिंग अपने करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो आज सर से बात करने वाले हैं, कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही प्रोडक्ट के बारे में देखने वाले हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स की नीड है तो आप कैसे डील कर पाएंगे, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया। और बेसिक इंट्रोडक्शन देखिए अपना। बेसिकली माय नेम इज़ शादाब आलम एंड आई एम हेयर लुकिंग फॉर द टेक्निकल पार्ट। सो हमारे पास जो है आपका टेक्निकल ई जो टेस्टिंग मशीनें होती है, मटेरियल टेस्टिंग मशीनें, लाइक मेटल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए वो हम कर सकते हैं अपनी मशीनों के। जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी में मैं बात करूँ तो मेटल्स की हार्डनेस वगैरह चेक करना है, या उसकी मेटलॉजिकल कंपोनेंट चेक करने हैं, या उनकी स्ट्रेस चेक करनी है। स्ट्रेस आपका दोनों किसी भी तरह का हो सकता है, टेंसाइल, कंप्रेशन, ट्रांसफ़र, तो वो सारी तरह की टेस्टिंग के लिए जो जो मशीनें चाहिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ऑल मशीन्स आर अवेलेबल। ये है कि भाई अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो भाई आपको ये प्रोडक्ट्स की नीड है ही। जी, अगर आप अपनी ब्रांड क्वालिटी सही रखना चाहते हैं तो इसकी ज़रूरत होगी। अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो, हीट ट्रीटमेंट हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे क्वालिटी चेकिंग के लिए अलग अलग लैब्स होते हैं, स्टैंडर्ड रूम्स होते हैं, और वहाँ पे इन मशीनों की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जाननी है तो ये मशीन आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये मशीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री में यूज़ होती है, आपके IITs हो गए, आपके कॉलेजेस हो गए, टेक्निकल कॉलेजेस, तो हर जगह आपको हार्डनेस टेस्टर, माइक्रोस्कोप, टेंसाइल टेस्टिंग मशीनें ये मिलेगी, और वो मशीनें हमारे पास अवेलेबल है एडवांस टू बेसिक एवरीवन। अच्छा, तो ये आप मैन्युफैक्चर भी करते हैं या किस तरह से आप? नहीं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का अपना है, पूरा अपना सेटअप है, हमारा दिल्ली में बेस है कंपनी, प्लस वी हैव ऑल्सो ब्रांच ऑफिस इन लुधियाना ऑल्सो, और हमारे सब डीलर्स भी हैं जो अदर अदर पार्ट्स में हमारी मशीनें बेचते हैं, और हम इन मशीनों को फिर उनके थ्रू काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपने शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, क्वालिटी क्या रहती है और किस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये हमारी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, और ये अपना सर्वो कंट्रोल टेस्टिंग मशीन है अलॉन्ग विद द लोड से। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारा सबसे एडवांस फीचर्स की मैं बात करूं तो इसका जो लोड सेल लगा हुआ है वो आपका 1 लाख काउंट का है, तो आपको रिजोल्यूशन जो मिलने वाली है 1 लाख की मिलने वाली है। और ये अपनी डबल स्पेस मशीन है, मतलब टेंसाइल के लिए स्पेस अलग है, कंप्रेशन के लिए अलग स्पेस है, विथ सर्वो कंट्रोल, मतलब इसमें आप टेस्टिंग जो करेंगे वो अपनी स्पीड की रिक्वायरमेंट, जैसे कि IAS, ISO, HTM, इन स्टैंडर्ड्स में टेस्टिंग के लिए अलग अलग स्पीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए आप इस पर टेस्टिंग कर सकते हैं। और जब आप टेस्टिंग करेंगे तो उसका ग्राफ आपका ऑनलाइन बनेगा, ग्राफ कैन बी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, लोड वर्सेस एक्सटेंशन, किसी तरह का ग्राफ हो वो आपका बनेगा इसमें, और उसका फिर आप एक रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं इसी की बात करूं तो यहां पे आप देखिए जो कुछ टेस्टिंग हमारी हो रखी है, सी दिस इज अवर स्ट्रेस स्ट्रेन का सिंपल ग्राफ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हुक्स लॉ तक फॉलो हुआ है, मतलब यील्ड पॉइंट आपका दिखा रहा है, देन हमारा एलोंगेशन हुआ, लोड नहीं हुआ, तो इस तरह के टेंसाइल ग्राफ आपके निकल जाएंगे और उनका प्रिंटआउट भी निकलेगा रिपोर्ट के फॉर्मेट में। इस तरह का रिपोर्ट प्रिंटआउट निकल जाएगा जो हम आगे किसी भी के साथ शेयर कर सकते हैं और अपना डाटा उनको साथ बता सकते हैं कि उनकी टेस्टिंग की रिजल्ट क्या है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये अपना मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप है। अगर मैं मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप की बात करूँ इसमें, तो इसमें मैग्नीफिकेशन जो आपको मिल रही है फ्रॉम 50x टू 1000x तक मैग्नीफिकेशन मिल रही है, और आप इसमें विजुअली भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप उस इमेज को कंप्यूटर स्क्रीन पर ट्रांसफ़र करके सॉफ्टवेयर के थ्रू भी उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर एनालिसिस में आपको वो सारे एनालिसिस का ऑप्शन मिलने वाला है, ग्रेन साइज हो गए, फेजेस हो गए, नोडुलरिटी हो गए, पार्टिकल काउंट्स, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स आपको मेजरमेंट कर सकते हैं हम इसमें। देन कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज़ अवर स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप अलॉन्ग विद द ट्राइनोकुलर
पोर्ट, मतलब इसमें भी आपका सेम है, सेम टाइम में आप विजुअली इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और उस इमेज को कंप्यूटर पर रिफ्लेक्ट करके मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इस मशीन का एक और जो मेजर एप्लीकेशन है वो है वेल्ड पेनिट्रेशन का। हम दो कंपोनेंट को जब वेल्ड करते हैं तो हमें वेल्ड पेनिट्रेशन उसकी मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वेल्ड पेनिट्रेशन का भी मेजरमेंट आप इसके ऊपर कर सकते हैं। देन दीज थ्री यहाँ पर जो ये मशीन्स आप यूज़ करते हैं तो इनके लिए आप सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मशीन है जो हम एक्चुअली हमारे पास बोथ ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर किसी को विजुअली इंस्पेक्शन करना है तो विजुअली इंस्पेक्शन के लिए भी मशीन दे दें सप्लाई करते हैं। अगर किसी को अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर भी हम सप्लाई करते हैं अलॉन्ग विद द कैमरा और मेजरमेंट सिस्टम के साथ। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दीज थ्री मॉडल्स आर माइक्रो वीकर हार्डनेस टेस्टर। और ये अलग अलग माइक्रो वीकर में अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं सबसे फर्स्ट वन की बात करूँ तो दैट इज़ द अलोन एप्लीकेशन। लाइक इस मशीन में आपका जो हेड है वो मूविंग होता है। इस मशीन में ये जो हेड है आपका माइक्रो वीकर में ये मूविंग होता है। वी आर फर्स्ट इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें आपका स्टेज एलिवेट नहीं होता है, आपका हेड मूव होता है और इस पर आप किसी भी तरह का हेवी कंपोनेंट रख के बेस के ऊपर चेक कर सकते हैं। देन दिस इज बेसिक टाइप ऑफ टच स्क्रीन माइक्रो वीकर हार्डनेस टेस्टर एंड दिस इज कम्प्लीटली ऑटोमेटिक माइक्रो वीकर हार्डनेस टेस्टर। इस माइक्रो वीकर की बात करूँ तो इसमें हम सैंपल रख के किसी भी तरह का पैटर्न सेट कर सकते हैं। पैटर्न कैन बी zigzag फॉर्म, लीनियर फॉर्म और थ्री ट्रांसफर लाइन फॉर्म और हमें जस्ट एक क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग द ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन दिस मोटराइज एक्सटेबल ऑटोमेटिकली मूव टू द डिफरेंट लोकेशन। फर्स्टली टेक ऑल द इंडेंटेशन, आफ्टर दैट इट विल फोकस ऑटोमेटिकली ऑल द इंडेंटेशन एंड मेजर द हार्डनेस वैल्यू एंड गिव यू द रिजल्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर भी शोकेस करेंगे और यहाँ पर भी? हम इस मशीन को दोनों ऑप्शन से अवेलेबल कर सकते हैं। अगर हमें कंप्यूटराइज मेजरमेंट करना है हम कंप्यूटराइज मेजरमेंट करेंगे, अगर हमें यहाँ पे आईपीएस के थ्रू लगा के मेजरमेंट करना है तो हम आईपीएस के थ्रू मेजरमेंट भी कर सकते हैं। इसमें विदाउट आप इनके भी आप कर सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये जो थी हमारी माइक्रो वीकर थी जिसमें मैक्सिमम लोड ही 1 kg तक का था। अगर किसी की रिक्वायरमेंट वीकर हार्डनेस टेस्टर की है जिसमें 1 से 50 kg तक की रिक्वायरमेंट है तो फिर ये मॉडल्स हैं। इसमें दो तरह के मॉडल्स आते हैं आपके, एक आपका होता है LCD टाइप मॉडल एंड द सेकेंड वन इज़ द टच स्क्रीन टाइप मॉडल एंड एट द सेम टाइम दिस टू मशीन ऑल्सो कैन बी अपग्रेडेड इन टू कंप्यूटराइज मॉडल एंड मेजरमेंट कैन बी डन ऑन द सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। तो ये अलग अलग में है कि आपको जो नीड है उनके अकॉर्डिंग आप? बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कि इन मशीनों का एप्लीकेशन तो सबका सेम है लेकिन जिस तरह से फीचर्स जो है अलग अलग होते हैं। जैसे मैं इस मशीन की बात करूं तो ये LCD टाइप के फीचर्स के साथ है, इस मशीन की बात करूं तो ये अपना क्या है टच स्क्रीन टाइप। इसमें जो आईपीएस है वो डिजिटल है, ये कंप्यूटराइज बना दिया। तो हम वॉइस वर्सा भी कर सकते हैं, इस मशीन को डिजिटल बना सकते हैं, इसको कंप्यूटराइज बना सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कैमरा पोर्ट सबके साथ अवेलेबल है तो उसको मॉडिफाई हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि कस्टमर की अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है, हमें उन रिक्वायरमेंट को फिल करना ज़रूरी होता है। तो एक प्राइसेस में बजट में क्या फ़र्क पड़ जाता है? देखिए सर, मैं अगर बात करूँ वीकर्स हार्डनेस टेस्टर की तो ये आपका 1.75 lakh से स्टार्टिंग रेंज हो जाती है बेसिक मॉडल की और अप टू 14-15 lakh तक जाती है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल और क्या कॉम्बिनेशन लेते हैं, टेंसाइल और सॉरी मशीन विद कंप्यूटराइज और ओनली मशीन, तो उस बजट के उस कॉम्बिनेशन पे प्राइस भी आपका वैरी करता है। देन कमिंग टू द अनदर प्रोडक्ट, दिस इज अवर ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर, लोड रेंज फ्रॉम 187.5 kg टू 3000 kgf। ये हमारा कम्प्लीटली टच स्क्रीन पैनल है और इसमें आपका ऑटोमेटिक लोड जो है सेट है पीछे में, जो भी लोड आप पे टेस्टिंग करना है और वही लोड अप्लाइड होगा और ब्रिनल का इंप्रेशन बन जाएगा, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट दिस थ्रीज आर द रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर। ये कॉमनली मशीन है जो आपको हर जगह मिलेगी क्योंकि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर सबसे बेसिक हार्डनेस टेस्टर होता है और उसका एप्लीकेशन हर जगह आपको मिलेगा, हीट ट्रीटमेंट में, कॉलेजेस में, देन ऑटोमोबाइल में, हर जगह। तो ये आप अपना जो है सबसे बेसिक डिजिटल में है जिसमें रीडिंग आपको डिजिटल में आने वाली है बट आपका जो कंट्रोल रहेगा वो मैनुअल रहेगा। देन कमिंग टू दीज टू मॉडल्स, दीज आर द एडवांस मॉडल्स। इसमें क्या है आपका, ये दोनों मशीनें लोड सेल बेस्ड मशीनें हैं अलॉन्ग विद द लाइव टेस्ट ग्राफ ऑफ द फोर्स एंड द डेप्थ।
ये 8 इंच में मशीन है, सॉरी ये 5 इंच की स्क्रीन टच मशीन है और वो 8 इंच की मशीन है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हार्डनेस टेस्टर का जितना रेंज है, रॉकवेल, बिर्नल, बीकर सभी आपके कवर हो जाते हैं और सारे एप्लीकेशन आपके फुलफिल होते हैं। तो यहाँ पर तो काफ़ी सारी मशीनरीज है, इसके अलावा और भी क्या क्या आप? नहीं सर, हमारी स्पेशलिटी यही है। अच्छा। कि हम सिर्फ हार्डनेस और टेंसाइल में डील करते हैं, क्योंकि हम इसी में पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक है। तो दिस इज आवर कम्प्लीटनेस, नॉट लाइक दैट कि ये भी मशीन बेचते हैं वो भी मशीन बेचते हैं। एक्सपर्टीज है? यस सर, वी आर एक्सपर्टाइज इन हार्डनेस एंड टेंसाइल मशीन सर। अच्छा जी सर, यहाँ पर मशीन तो हमने देख ली, बिजनेस की बात करते हैं, आप बिजनेस कैसे करते हैं? सर देखिए, हमारा जो मेन ऑफिस है वो दिल्ली में है, प्लस हमारे ब्रांच ऑफिसेज जो हैं वो लुधियाना और कोलकाता में भी हैं। अगर इसके अलावा साउथ में जो होता है, आपको भी पता है अब इंडिया उतना बड़ा रह नहीं गया है, कहीं भी मूवमेंट है 2-3 आवर्स में पहुंचा जा सकता है। तो खुद भी हम वहां से मूव, यहां दिल्ली से हर जगह मूव करते हैं। बट वी हैव ऑल्सो सम सब डीलर्स हु आर लुकिंग अदर पार्ट्स, तो उनके थ्रू भी हमारी मशीनें सेल होती है और उनको भी हम सप्लाई करते हैं मशीनें। तो आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाते हैं? यस yes. तो उनके लिए क्या कोई क्राइटेरिया होता है? सर क्राइटेरिया यही होता है सर कि वो हमारे फील्ड के ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी डीलर हो जाना चाहिए। दे हैव शुड हैव द कम्प्लीट नॉलेज ऑफ दिस फील्ड। अगर वो उस फील्ड के कम्प्लीट नॉलेज रखते हैं तो फिर हम उनको मतलब डीलर बनाने का सोचते हैं सर। तो अगर कोई इस टाइप की बिजनेस में डील कर रहे हैं या अगर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनने में इंटरेस्टेड है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर yes. अगर डायरेक्टली बात करें, डायरेक्टली B2C की बात करें, डायरेक्टली अगर कंज्यूमर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते? सर हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे मेल IDs के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वाया हमारे फ़ोन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। जैसे बात करें सर्विस की एंड वारंटी की बात करें और ट्रेनिंग की बात करें, उसका क्या इशू रहता है? सर ट्रेनिंग का ऐसा होता है कि हम जब मशीनें सप्लाई करते हैं तो उसके साथ हम उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उनको देते हैं। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिपेंड करता है कि मशीन कौन सी है, वो डिपेंड करता है कि मशीन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने मशीन कौन सी सप्लाई की है। तो फर्स्टली जब भी कोई मशीन जाती है तो हम पहले उस मशीन को इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनको हम वो मशीन की फुल्ली कम्प्लीटली मेंटेनेंस ट्रेनिंग, टेस्टिंग प्रोसीजर अलॉन्ग विद द टेस्टिंग डाटा, सारा कुछ हम उनको ट्रेन करते हैं। और सर्विस की सर, आफ्टर सेल सर्विस के? आफ्टर सेल सर्विस का ऐसा है सर, हम मशीनों की 1 ईयर की वारंटी देते हैं। अगर उस 1 साल के दौरान कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उस मशीन को अटेंड करते हैं। बाकी वारंटी के बाद भी हम मशीनों की एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट या सिंगल विजिट पे मशीनों को अटेंड करते हैं कैलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और सर अभी आप कार्ड शो कर सकते हैं जिस पे कॉन्टैक्ट कर? सो दिस इज आवर विजिटिंग कार्ड इन विच ऑल आवर मेल IDs एंड आवर वेबसाइट लिंक्स आर मेंशन्ड। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, साथ ही आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी आप या बिजनेस करना चाहते हैं या प्रोडक्ट लेना चाहते हैं आप बात कर सकते हैं। और सर एट लास्ट में आप अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सर, अगर आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी तो आप बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट करें, आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो वर्क ऑन दोज मशीन अकॉर्डिंग टू द कस्टमाइजेशन, लाइक हमें कोई स्पेशल टाइप की टेस्टिंग है और उसमें कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए तो उस तरह के भी हम प्रोडक्ट बना के आपको सेल कर सकते हैं। चलिए चलिए सर, थैंक यू, बात करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।